प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही और इसी कड़ी में यमुनानगर में पुलिस विभाग ने तिरंगा यात्रा निकाली जिसमें पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया, बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा सहित भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर गंगाराम पूनिया और राजेश ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखने और लोगों में तिरंगे के प्रति जागरूकता और सम्मान पैदा करने के लिए निकाली जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 11 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चला, स्तर पर भी हम तिरंगा यात्राएं निकालकर आज के युवाओं को, सभी आम जनों को इस जो हमारे गौरव का प्रतीक है तिरंगा, वो शान से लहराता रहे, ये संदेश देने के लिए हमने ये तिरंगा यात्राएं निकाली हैं। आज यमुनानगर में पुलिस प्रशासन के सहयोग से माननीय SP साहब के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा यात्रा यमुनानगर में नेहरू पार्क से होकर प्यारा चौक मधु चौक होते हुए वापसी नेहरू पार्क पर समाप्त हुई है। मैं बधाई देता हूं पुलिस प्रशासन को जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाली। देखिए, इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देश पर अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग दिन तिरंगा यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज 14 अगस्त को पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति भी और जितने भी पुलिस विभाग के हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इस जो यात्रा है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि तिरंगा जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है और जिसके लिए हमारे शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उस तिरंगे का मान हम हमेशा बनाए रखें और एक स्वाभिमान के साथ में इस देश को आगे बढ़ाएं। देखिए, इसमें 800 से लगभग 1000 के आसपास हमारे पुलिस के जवान, बाकी शहर के गणमान्य व्यक्ति और शहर के जो अन्य हमारे लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। देखिए, तिरंगा से तो वैसे ही सभी को वो अपने आप में एक वो देशभक्ति का जुनून सवार होता है और तिरंगा निश्चित तौर पर ऊंचा लहराता रहे, हम सभी लोग इस